रोटी हमेशा गोल क्यों होती है? दरअसल पहले बेलन से रोटी को बेला जाता था और बेलते वक्त रोटी घूमते घूमते अपने आप ही गोल हो जाती थी। अगर ट्रायंगल शेप का या फिर कोई और शेप का रोटी बनाना हो तो उसमें एक्स्ट्रा काफी मेहनत करना पड़ेगा और गोल होने की वजह से रोटी के हर हिस्से में समान गर्मी पहुंचती है, जिससे अच्छे से वो पकती भी और फूलती भी है। पर किसी और शेप में होने से ये चीज पॉसिबल नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई रोटी हमेशा गोल होती है। अगर आप कभी हार्पिक पी लेते हो तो आपके साथ क्या होगा? दरअसल हार्पिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनती है और हार्पिक में सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही नहीं और भी काफी सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो। फिर भी अगर आप हार्पिक को पी लेते हो तो आपके इंटेस्टाइन पर ये असर करेगा और आपकी मौत भी हो सकती है। अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो गलती से भी कभी ऐसा मत सोचना। एक बार गरीबी की वजह से द ग्रेट डिप्रेशन आया था, तब लोगों को ऐसे स्माइली मास्क पहना जाता था और उस स्कूल में लोगों को हंसना सिखाया जाता था। इस मास्क को पहनकर ऐसा लगता था कि लोग सच में हंस रहे हैं, बट एक्चुअली वो सैड होते थे। डायनासोर नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बड़े बड़े डायनासोर का ख्याल आता है, पर एक्चुअल में डायनासोर बहुत छोटे छोटे भी होते थे। और आज तक का सबसे छोटा डायनासोर जो रिकॉर्ड किया गया है वो सिर्फ 16 इंच का है। हालांकि ये भी काफी बड़ा है, लेकिन डायनासोर के मुकाबले बहुत छोटा है। हनी बी चाहे तो किसी भी कलर का हनी प्रोड्यूस कर सकती है, बस ये डिपेंड करता है कि वो कैसे जगह पर रहती है और कैसे फ्लावर से अपना नेक्टर निकाल रही है। एंड फ्लावर के हिसाब से हनी के टेस्ट में भी काफी ज्यादा फर्क होता है। स्टीव जॉब्स और उनके पार्टनर ने जिस दिन एप्पल की शुरुआत की थी वो दिन अप्रैल फुल था, 1st April 1976। और आज एप्पल कितना सक्सेसफुल है ये तो आप जानते ही हो। जरा सोचो कि अगर एप्पल आज आकर कहता है कि वो बस एक अप्रैल फुल का प्रैंक था तो कितना बड़ा मजाक होगा। हम अभी जो एंड्रॉइड फोन चलाते हैं वो दरअसल सिर्फ कैमरे के लिए बनाया गया था। बाद में इस कैमरा ऑपरेटिंग सिस्टम को मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में बदल दिया गया। और ये भी कहा जाता है कि जब एप्पल ने अपना फोन बनाया था तब उसका आइडिया लीक हो गया था और इसी का इस्तेमाल करके एंड्रॉइड वालों ने अपना फोन लॉन्च कर दिया। अमेरिका में बहुत ज्यादा मात्रा में लोग स्टारबक्स कॉफी पीने जाते हैं और इसीलिए स्टारबक्स वालों ने एक ऑफर रखा है कि अगर किसी का बर्थडे है तो उस दिन वो जाकर वहाँ पर फ्री में कॉफी पी सकता है। पर ये इंडिया में ट्राई मत करना, वरना बर्थडे सरप्राइज के तौर पर स्टारबक्स से आपको डांट सुनने को मिलेगी। इंसानों को तो मधुमक्खियों से डर लगता ही है, शायद आपको भी लगता होगा, पर हम इंसान अकेले नहीं है जिसको मधुमक्खी से डर लगता है, क्योंकि खुद मधुमक्खियों को भी दूसरे मधुमक्खियों से डर लगता है। क्योंकि जब उनको दूसरे मधुमक्खियों से अनसेफ फील होता है या फिर उनको लगता है कि दूसरे छत्ते की मधुमक्खी उनके छत्ते को नुकसान पहुंचाने वाली है, तब वो एक दूसरे को ही डंक मार देते हैं और इसलिए वो भी एक दूसरे से डरते हैं। रात को अगर 3 बजे के आसपास आपको भूत का सपना आता है और आपका नींद अचानक से खुल जाती है, तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के हिसाब से उस वक्त सच में कोई घोस्ट आपके बॉडी को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आपका बॉडी उसे रिजेक्ट कर देता है और वो फेल हो जाती है, इसलिए झटके से आपका नींद खुल जाती है। पर डरो मत, क्योंकि इसमें कितनी सच्चाई है वो किसी को भी नहीं पता। एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी सॉक्स यानी मोजे नहीं पहनते थे, रीजन तो अननोन है, पर शायद उनके हिसाब से टाइम वेस्ट लगता होगा। आपने मूवीज का बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा देखा होगा, पर इसे देखो, यहाँ वन टेक में एक ही सीन को लिया गया है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे कैमरा एंगल्स हैं और कैमरा एंगल चेंज करने से पहले ही उस पूरे सेट को लाइव बदल दिया जाता था। ये करने में काफी मेहनत भी लगती है। सेल्वेडोर डाली नाम का एक पेंटर थे जो कभी रेस्टोरेंट में जाकर अगर खाना खाते तो वहाँ पर पेमेंट चेक से करते थे और चेक देते टाइम उसके पीछे कुछ ऐसा ड्रॉइंग बना देते जो कि पेमेंट से ज्यादा एक आर्ट पीस बन जाती थी और रेस्टोरेंट वाले उसे संभाल के रखते थे और ऐसे वो कभी बिल पेमेंट करते ही नहीं थे।